आज बात भाषा पर करते हैं। भाषा पर इन दिनों बहुत सवाल उठ रहे हैं। कुछ को हिंदी पिछड़ी लगती है, कुछ को उर्दू पराई लगती है और कुछ को अंग्रेजी विदेशी लगती है। लेकिन भाषा को तो बहता पानी कहते हैं, उसमें जगह जगह की धूल मिट्टी बनती है तो उसका एक रूप बनता है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कानून की भाषा की। पहले आपके सामने कुछ शब्द हम रखते हैं, आप इन शब्दों को देखिए और सोचिए कि क्या आप इनके अर्थों से परिचित हैं। ये जो शब्द हैं इसमें इमरोजा एक शब्द है, इश्तिहारे शोरे गोगा ये शब्द कहीं आपने सुना है, एकाम एक शब्द है, मतलूब का मतलब आप हमें बताइए, माल मसरूका एक शब्द है जो कानून की ज़ुबान में बहुत इस्तेमाल होता है। कुछ देर आपको भी शायद सोचना पड़े कि इनका अर्थ क्या है। आपको कुछ समय इसके लिए हम देते हैं, लेकिन हम कोई पहेली नहीं बुझा रहे हैं, इन्हें कहीं से खोजकर नहीं लाए हैं। ये हमारे थानों, हमारी कचहरियों और रोज़मर्रा की भाषा है, वो भाषा जो FIR में लिखी जाती है, वो भाषा जो दर्ज केस में लिखी जाती है। ये कानून की भाषा है। क्या जो कानून आम लोगों के लिए होते हैं उनकी भाषा ऐसी होनी चाहिए, इस पर बात करेंगे। लेकिन पहले जो शब्द हमने आपको दिए थे उनके अर्थ भी आप जान लीजिए कि इनका मतलब क्या होता है। तो इमरोजा जो शब्द है इसका मतलब होता है रोज़ की कार्रवाई। रोज़ की कार्रवाई बहुत रोज़ होने वाली चीज़ लगती है आपको, लेकिन इमरोजा इसके लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है। इश्तिहारे शोरे गोगा का मतलब होता है पहचान के लिए नोटिस, या अंग्रेजी में कहें तो ह्यू एंड क्राई नोटिस इसको कहा जाता है। अहकाम का मतलब होता है आदेश, हुक्म से इसको लिया गया है और अहकाम इसे कहा जाता है। और मतलूब जो शब्द है इसको कहते हैं तलब किए जाने के लिए इस लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं, यानी वांछित। माल मसरूका जो शब्द इस्तेमाल होता है इसका मतलब होता है चुराया हुआ सामान। तो ये लफ्ज़ हैं जो कानून की भाषा में इस्तेमाल किए जाते हैं। थोड़े मुश्किल लगते हैं सुनने में, लेकिन कानून में जब आप लिखेंगे चीज़ों को तो इनका इस्तेमाल जो है वो वहाँ पर किया जाता है। ये भाषा बदलने की ज़रूरत है, इस पर काम भी हो रहा है। मध्य प्रदेश पुलिस ने 600 से ज़्यादा ऐसे शब्दों की सूची बनाई है जिन्हें वो बदलेगी। मुश्किल ये है कि इसमें कुछ शब्दों को तो ठीक बदला गया है, लेकिन कुछ आसान उर्दू शब्दों की जगह पर आसान हिंदी शब्द डाल दिए गए हैं और कुछ मुश्किल उर्दू शब्दों की जगह पर कुछ मुश्किल हिंदी शब्द डाल दिए गए हैं। मसलन बयान सब समझते हैं, इसे कथन कर दिया गया है, जबकि इरादतन को साशय कर दिया गया है। साशय यानी आशय सहित, और कब्जा को आधिपत्य यहां पर बना दिया गया है। गिरफ्तार की जगह पर अभिरक्षा शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा और हिरासत की जगह भी अभिरक्षा ही चलेगा, यानी इन दो अलग अलग बातों के लिए अभिरक्षा शब्द का इस्तेमाल यहां पर किया जाएगा। यानी एक अच्छी और जरूरी काम भी जो है वो कुछ लापरवाही से किया जा रहा है। इन शब्दों का बदला जाना ज़रूरी है, लेकिन देखना भी होगा कि ये बदलाव जो है वो आम लोगों को आसानी से समझ में आए, उन्हें कोई डिक्शनरी इसके लिए देखनी ना पड़े। प्रियदर्शन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ सहयोगी हैं हमारे NDTV के, उनसे हम समझते हैं भाषा को। प्रियदर्शन जी बहुत अच्छे से समझते हैं। प्रियदर्शन जी, यहाँ पर मकसद तो यह है कि सरल इसको बनाया जाए ज़बान को, कि लोगों की समझ में ये आ जाए। लेकिन आप उर्दू की बात करें या हिंदी की बात करें, आप बहुत कठिन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो मतलब तो पूरा होता नहीं है वहाँ। देखिए, असल में जब आप ये बात कर रहे थे मुझे अचानक हिंदी के शायर दुष्यंत कुमार की याद आई। उन्होंने कहा था कि हिंदी और उर्दू जब अपने सिंहासनों से उतर के धरती पर आती हैं, ज़मीन पर आती हैं, तो आम आदमी की ज़ुबान बन जाती हैं। तो आम आदमी की ज़ुबान तो बनाना होगा। उर्दू और हिंदी दोनों को अपना वो जो अभिजात्य जिसको बोलते हैं उसको छोड़ना होगा। ये सच है कि कानून की भाषा सारी दुनिया में और सारी भाषाओं में थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन हर भाषा में कोशिश होती है कि उसको आसान बनाया जाए। तो आसान बनाना तो बहुत ज़रूरी है। इस आसान बनाने के काम में लेकिन आप बयान को कथन करके क्या कर देंगे? कथन भी ठीक है, बयान भी ठीक है, दोनों बिल्कुल सहज शब्द हैं। माल मसरूका को ज़रूर बदलें जो बदला नहीं गया है अभी तक, या ऐसे और भी शब्द हैं जिनको बदले जाने की ज़रूरत है। लेकिन गिरफ्तार बहुत कॉमन शब्द है, गिरफ्तार के लिए आप अभिरक्षा क्यों चलाते हैं? तो मुश्किल ये है, हमारी भाषा के साथ दो तीन तरह की राजनीति हो रही है। एक राजनीति तो मतलब और सब कुछ ज़रूरत की आड़ में है। एक तो ये है कि हम हिंदी के बहुत कठिन शब्द न लें, उसकी जगह आसान अंग्रेजी के शब्द चलाएँ। दूसरी ये कि हम उर्दू के बहुत कठिन शब्द न लें, उसकी जगह संस्कृत या हिंदी के शब्दों को चलाएं। और तीसरी ये है कि पूरी की पूरी
हिंदी की शब्दावली को बदल के अंग्रेजी की शब्दावली में धीरे धीरे ट्रांसफर करते चले जाएं। तो लेकिन भाषा जो है वो, जो हमने कहा कि शुद्धतावाद, अच्छा इसके पक्ष में लोग खड़े हो जाते हैं कि हिंदी को बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, उर्दू को बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। शुद्धतावाद भाषाओं का शत्रु होता है, वो उनकी जान ले लेता है। तो भाषा में तो धूल पानी मिट्टी जमाने की मिलती है, तो भाषा का रंग निकलता है। तो यहाँ पर फिर कैसे चीज़ें की जानी चाहिए प्रदर्शन जी, क्योंकि हमारे देश में तो कहा जाता है हर थोड़ी दूरी पर आपकी जबान बोलने का तरीका जो है वो बदल जाता है, भाषा तो एक अलग ही बात है। बिल्कुल, बोलने का तरीका ही वहाँ पर बदल, हर आठ कोस पे पानी और बानी के बदलने का। तो इसलिए आप हर किसी की समझ के लिए तो एक वर्ड शब्द इस्तेमाल कर नहीं सकते हैं, तो वहाँ पर आपको कुछ शब्द ऐसे लेने पड़ेंगे। तो हम लोगों को कुछ न्यूनतम, कुछ मिनिमम वो तय करना होगा कि ये शब्द अधिकतम लोग समझ पा रहे हैं या नहीं। तो उसमें आप अंग्रेजी के शब्दों को भी लेंगे। आज की तारीख में अंग्रेजी भी एक भारतीय भाषा है। राम मनोहर लोहिया कहते थे कि शब्दों को उनके अर्थों से चमकाना चाहिए, जैसे वो प्रयत्न और कोशिश के बीच अंतर बताते थे। बोलते थे कि प्रयत्न जो है बड़ी कोशिश है, कोशिश मतलब पहाड़ चढ़ने का प्रयत्न कर सकते हैं और नाला लांघने की कोशिश कर सकते हैं। तो एक बात तो ये है। दूसरा इससे जुड़ा मसला है कि भाषा में जो प्रचलित शब्द, जिन शब्दों का बार बार इस्तेमाल करते हैं, मुझे याद है कि 2004 में जब सुनामी पहली बार आई थी तो हम लोगों को समझ में नहीं आया कि सुनामी क्या है। हम लोगों को बताना पड़ता था सुनामी एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ होता है समंदर में आया भूकंप, जो जब धरती की तरफ लहरें आती हैं तो तबाही मच जाती है। 10 साल बाद जिस सुनामी की हमको व्याख्या करनी पड़ती थी वो हिंदी का मुहावरा बन गया था। दिल्ली में केजरीवाल की सुनामी, देश में मोदी की सुनामी, सुनामी बहुत कॉमन शब्द हो गया। तो शब्दों का प्रचलित अप्रचलित होना मैटर नहीं करता है, शब्दों को उनके सही अर्थों में इस्तेमाल करना, आम फहम शब्दों को ले जाना जो अधिकतम लोगों तक जाएं। और कानून तो ज्यादातर गरीबों के लिए होता है। ये बहुत संक्षिप्त में प्रदर्शन जी, जो यहाँ पर पुलिस की वंशा है जो करने की के सरल हो, यहाँ पर आपको लगता है कि ये उस दिशा में जो है काम हो रहा है? अगर एक एक शब्द की बात करें, हिरासत और गिरफ्तारी, ये तो हाँ बिल्कुल, ये शब्द आलोचना का मामला है। लेकिन मान के चलें कि आने वाले दिनों में चूंकि काम हो रहा है, उन्होंने 650 ऐसे शब्दों की सूची बनाई है, तहरीर को लेखन किया है और भी किया है, तो मान सकते हैं कि गड़बड़ियां दूर होंगी और एक नेक नियति के साथ काम होगा जिसमें कानून और पुलिस दोनों जनता के करीब आएंगे। बहुत शुक्रिया आपका प्रदर्शन जी जुड़ने के लिए हमारे साथ और बताने के लिए कि भाषा को लेकर किस तरह की जो है वो दिक्कतें होती हैं। सरल बनाने की ज़रूरत भी यहाँ पर है, लेकिन वो सरल जो है वो कितने लोगों को समझ में आए, ये भी एक बड़ा सवाल है।